सुरीर के गांव सकोरिया में पड़ोसी किशोर ने दुकान में घुसकर चोरी कर डाली। इस मामले में थाने में तहरीर दी गई है। थाना सुरीर क्षेत्र के सकोरिया निवासी उर्मिला पत्नी स्वर्गीय सत्यपाल ने थाने में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए बताया कि वो गांव में पर्चों की दुकान चलाती है। वो किसी काम से दिन में सुरीर गई हुई थी, जिसका फायदा उठाते हुए दिन में ही गांव के ही पड़ोसी किशोर ने छत के रास्ते घर में घुसकर चोरी कर ली, जिसकी शिकायत लेकर वो थाने पहुंची। विधवा से पुलिस ने शिकायती पत्र लेकर कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। ब्रह्मला जी, किस बात के लिए आप थाने आई हैं? नहीं आए कि हम मतलब बड़े हर भी जाएंगे बाहर कहूँ जा रहे हैं तुम्हारे घर सुनो जी पीछे तो फिर जैसे पूछ सकेंगे हमारे घर में। क्या हुआ आपके घर में? चोरी हुई है। किस चीज़ की चोरी हुई है? दुकान में सामान निकाल रहे 15 रुपया सामान के पीपा हम धरे निकाल रहे हैं, घर में तो बकस खोल रहे हैं, बकस हमको सुना मिले जी। किसने की है चोरी? छोटा सा बालक हुई है पड़ोसी यही। क्या नाम है उसका? भूरा। भूरा ने चोरी की थी? हाँ, अलवारी जरा के बामे तो जेवरी जरा के नहीं, जब बामे घुसे अलवारी भीतर। अब बताओ हम बता तने ले आप थाने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है, निवासी सरपुरिया। ये मेरी भाभी है, उनकी दुकान है परचून की, और परचून की दुकान में आकर के पड़ोसी घर का बाबू जिसके नाम है बाबू, उसके पिता का नाम है की? और वो दिन में छत पर आकर के और दिन में चोरी कर ले गए। ये एक दावत में सुरीर गांव में आई हुई थी, मेरी बहन खत्म हो गई और दिन में चोरी कर ले गए, करीब करीब 20,000 रुपये का सामान ले गए परचून की दुकान से। परचून की दुकान कब की थी चोरी? ये परसों की 28 तारीख। अब यहाँ आप थाने आए हो, क्या आश्वासन मिला आपको? एप्लीकेशन दे दिया कि आगे कर सकें।